नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रयागराज से बड़ी खबर है, माफिया अतीक पर एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अतीक के खिलाफ आज होगी कुर्की की एक और कार्रवाई। कसारी मसारी इलाके में ये कुर्की की कार्रवाई होगी। अतीक की 6,60,00,000 की संपत्ति आज कुर्क की जाएगी। डीएम प्रयागराज से अनुमति मिलने के बाद आज कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले 1,28,00,00,000 की संपत्ति अतीक अहमद की प्रशासन ने कुर्क की थी और इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए डीएम से अनुमति की मांग की गई थी प्रशासन की तरफ से। अनुमति मिलने के बाद आज अतीक की 6,60,00,000 की संपत्ति और कुर्क की जाएगी। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, माफिया अतीक अहमद पर लगातार कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही। अतीक के खिलाफ आज एक और कुर्की की कार्रवाई होगी। कसारी मसारी इलाके में यह कुर्की की कार्रवाई होगी और अतीक की 6,60,00,000 संपत्ति की कुर्की आज की जाएगी। डीएम प्रयागराज से अनुमति मिलने के बाद आज कुर्की की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। एक दिन पहले अतीक अहमद की 1,28,00,000 की संपत्ति कुर्क की गई थी। प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई थी और लगातार अतीक अहमद और उनके जो परिजनों के नाम पर जो संपत्तियां खरीदी गई थी, अवैध तरीके से उनको कुर्क किया जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। जो अवैध प्रॉपर्टी, जो अवैध तरीके से साम्राज्य बनाया था अतीक अहमद ने, उसे अब नेस्तनाबूद किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। जी बिल्कुल, अभी परसों जो है यूसी के हवेलिया में अतीक अहमद की 1,23,00,00,000 की संपत्ति जो है वो कुर्की थी, 13 बीघा जमीन की। और उसके बाद आज ये दूसरी कार्रवाई है जिसमें 6,60,00,000 की संपत्ति है कसारी मसारी में अतीक अहमद की। उसको पुलिस की टीम जो है डीएम से परमिशन मिल गई है, उसकी कुर्की करेगी। तो अब तक मिलाकर के 6 अरब से ऊपर की संपत्ति अकेले अतीक अहमद की कुर्क की जा चुकी है। और करीब पूरे गैंग की बात करें अतीक अहमद गैंग के खिलाफ, तो 12 अरब रुपए की संपत्ति की कुर्की और डिमोलिशन हो चुका है। तो कार्रवाई लगातार जारी है। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले, इस कुर्की के बाद क्या। बिल्कुल मानवेंद्र, जिस तरह से लगातार प्रशासन की तरफ से अतीक अहमद की संपत्तियों की पहचान की जा रही है, उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जा रही, जैसा कि आप भी बता रहे कि अतीक अहमद और इनके करीबियों की लगभग 12 अरब की संपत्ति कुर्क की जा चुकी, तो इससे समझा जा सकता है कि इतने सालों में कितना बड़ा साम्राज्य अतीक अहमद ने बना लिया था। बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों से हमारी बात होती है तो कहते हैं कि अब लगता है कि हम लोगों ने काफी काम कर लिया है, अब कोई नई संपत्ति नहीं मिलेगी। इस बीच पता चलता है कि वहां पर 1,23,00,00,000 की नई जमीन मिल गई है। फिर कहीं पता चलता है कि अतीक अहमद के भाई की 50,00,00,000 की जमीन मिल गई है। तो संपत्ति का खास जो है वो प्रशासन भी नहीं लगा पा रहा, और बेनामी संपत्ति जिसकी प्रशासन को भनक नहीं होती उसका तो अंदाजा ही लगाना मुश्किल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर भी तमाम संपत्तियां हैं। तो पिछले कुछ दशकों में अतीक अहमद की संपत्ति जो है जिस तरह से बनाई है वो बेहद चौंकाने वाला है। और अरबों खरबों की संपत्ति, एक संपत्ति का पता चलता है, उसकी कार्रवाई होती है, तब तक दूसरी संपत्ति सामने आ जाती है जो उससे भी ज्यादा कीमत की होती है। तो ऐसे में अभी प्रशासन जो है ऐसा लगता है कि प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं